नमस्कार पाइनियर, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना महामारी के बीच लोगों को बहुत सारी जो किल्लतें हैं वो झेलनी पड़ी। दूसरी लहर में ना जाने कितनी लोग अपनी जान लगा गए। इसी बीच जो वैक्सीन है वो भी जोरों शोरों पर थी और अभी भी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक भी अब फरीदाबाद के अंदर सर्वोदय हॉस्पिटल में है। हम अभी इस वक्त वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग स्पुतनिक लगवाने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके के रिजल्ट उन्हें मिल रहे हैं, और जानेंगे कि किस तरीके से इन वैक्सीन के बीच जो तीनों वैक्सीन है क्या अंतर है, किस तरीके से अपना काम करती है और किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस क्या है। मैम, स्पुतनिक वैक्सीन जो है ये रशियन वैक्सीन है। अभी तक हमारे को कोविशील्ड लगी थी, कोविशील्ड के बारे में ही सबको बताया गया था। जब से ये स्पुतनिक के बारे में पता चला है तो बढ़ चढ़ के पब्लिक आ रही है। काफ़ी स्लॉट भी हमारा बुक हो रहा है डेली का, और डेली कम से कम 400 से 500 डेली स्पुतनिक लग रही है। इस वैक्सीन को लगने के बाद किस तरीके की समस्याएं हैं जो पेशेंट जो भी लोग लगवा रहे हैं, कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है? जैसे कि अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, फीवर आ जाता है, ऐसा कुछ? मैम, कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद हल्का फीवर हेडेक होता है, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सेम यही स्पुतनिक के बाद भी 2-4 पेशेंट की ऐसी कंप्लेंट आई है कि फीवर हेडेक है, जो कि ये कंप्लेंट है बट ये कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम पैरासीट पहले से ही एडवाइस कर रहे हैं कि आफ्टर लंच आफ्टर डिनर आपने एक पैरासीटामोल खानी है, और इसके बाद कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बीच क्या डिफरेंस है? मैम, कोवैक्सीन कोविशील्ड, हमारे पास कोवैक्सीन और फेजर कोई भी नहीं आई है, हमारे पास स्पुतनिक और कोविशील्ड है। जो कोविशील्ड हमारी जनवरी से स्टार्टिंग से ही लग रही है, उसका भी आज तक हमने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा, जो कि मैंने अब तक 18,000 लोगों को लगा चुकी हूँ वैक्सीन। मैम, इसे 5 to 6 डेज हो गए आए हुए वैक्सीन को, अब तक हम 3,000 से ऊपर लोगों को लगा चुके हैं वैक्सीन। मैम, हमारी सर्वोदय की कॉल सेंटर लाइन है, उस पर आप कॉल करेंगे, वहाँ से आप स्लॉट बुक करेंगे, फिर आप आके रजिस्ट्रेशन करवा के। मैम, इसकी दो डोज है, जो डोज के दोनों डोज के साथ साथ 2290 रुपये की इसकी है, जो एक साथ ही बिल कट रहा है। नेक्स्ट टाइम आके पेशेंट आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और डायरेक्ट आके इंजेक्शन लगवा सकते हैं। आपके यहाँ पर स्पुतनिक दो डोज लग रहे हैं, तो दोनों डोज के बीच में क्या डिफरेंस है? 21 to 3 मंथ का टाइमिंग है। मैम, वो वैक्सीन का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हमारे पास आई नहीं है, मगर कोविशील्ड और स्पुतनिक, ये दोनों स्पुतनिक दोनों में ही सेम गैप है इनका। हाँ जी, जो कोविशील्ड का गैप है वो आपका 84 to 90 डेज का है, और स्पुतनिक का 21 to 3 मंथ का टाइमिंग दे रखा है, 90 डेज का। गाजियाबाद से आए हैं हम। गाजियाबाद नोएडा में कहीं अवेलेबल नहीं है अभी, 10 बजे कमिंग है। हाँ, अभी फिलहाल तो नहीं है। तो क्या बता रहे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है लेकिन आपने स्पुतनिक सुना, क्या जो सर्वे आता है, डाटा कंपेरिजन आता है, उसमें स्पुतनिक बेटर लगी हमें। गाजियाबाद से आए हैं स्पुतनिक के लिए, तो क्या कुछ अलग वजह रही स्पुतनिक की या लोगों के रिव्यूज देखे कि स्पुतनिक इज बेस्ट, तो हम लोग इसी वजह से आए हैं। दिस इज फर्स्ट अभी आपने लगाया है? तो जैसा कि अभी सुना आपने डॉक्टर को कि उन्होंने बताया कि जो स्पुतनिक है हमारे यहाँ फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल में यहाँ पर है, अगर जो भी लोग स्पुतनिक लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर लगवा सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से स्पुतनिक और जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो अपना असर करते हैं।